Assalamu alaikum. Dear students, chapter number 2, test solution, question number 11 to 19 ko attempt karte hain. Question number 11 kya hai sir? 50 kg child is sitting on a seesaw 0.5 meter from the balance point. 50 kg child jo hai, wo baitha hai kahan par? Balance point se 0.5 meter ke distance par. Balance point se ye distance kitna hai? 0.5 meter hai. How far on the other side should a 37.5 kg child sit so that the seesaw will remain in balance? Bataiye ki kitne faasle par 37.5 kg ka child jo hai wo baithega ki seesaw balance ho jaye, yani balance point se 37.5 kg ke child tak ka jo distance hai, yani ye wala moment term ise batana hai humne, nikalna hai. To isko nikalne ka tarika kar kya hoga? Isko nikalne ka tarika kar ये है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फोर्सेस कौन कौन सी हैं. पहली फोर्स है 50 into 9.8, ये W1 फोर्स है, क्योंकि मास को जब हम G की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स द वेट एंड वेट इज द फोर्स. और दूसरी फोर्स है 37.5 into 9.8. तो आप ये जानते हैं कि ये वाली जो फोर्स है, अगर ये बैलेंस पॉइंट है वेज का, तो ये जो W1 फोर्स है ये कौन सा वाला टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है सर? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है. और ये W1 फोर्स जो है, सॉरी W2 फोर्स जो है, ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है सर? इट इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है. तो आपने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर रख लेना है. तो यहाँ पर जो डी चूंकि हमने निकालना है, लिहाजा हम क्लॉकवाइज टॉर्क को इस तरफ लिख लेंगे. क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है? W2 इंटू इट्स मूवमेंट आर्म डी. और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है? W1 इंटू मूवमेंट आर्म 0.5. अब हम यहां से D का फार्मूला निकालते हैं. D का फार्मूला क्या बनेगा? W1 into 0.5 divided by W2. W1 की वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं बेटा. W1 की वैल्यू कितनी है बेटा? That is 50 into 9.8 है. Into ये वाला 0.5 वैसे का वैसे ही आ गया बेटा. और W2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 37.5 into 9.8 है. अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं. ये 9.8 9.8 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा जी, और ये 50.5 से मल्टीप्लाई होगा. 0.5 कितना होता है सर? 1/2. तो 50.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना बन गया? इट वुड बिकम 25 डिवाइडेड बाय 37.5. 12.5 के भाड़े से हल करेंगे इसको. 12.5 कितनी दफा? दो दफा. और 12.5 कितनी दफा? तीन दफा. 37.5 होता है. सो द रिजल्ट वुड बी 2/3 meter. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 इज अल्फा. उसके बाद बेटा क्वेश्चन है, द 12th क्वेश्चन को करते हैं सर. द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2f एंड 3/2f रिस्पेक्टिवली वुड बी. बेटा दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस के जो एक्स कंपोनेंट्स हैं उनके मैग्नीट्यूड हैं 2f 2f, और दोनों फोर्सेस के जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनके मैग्नीट्यूड हैं 3/2f और 3/2f. तो यहां पर हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाएंगे, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा? एक्स कंपोनेंट्स को आप ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाता है, उसका स्केयर ले लेना है, प्लस वाई कंपोनेंट्स को ऐड अप करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ जाएगा, उसका हम स्केयर लेंगे. सर f1x की वैल्यू कितनी है? 2f है. f2x की वैल्यू भी 2f है. और f1y की वैल्यू कितनी है? 3/2f है. और f2y की वैल्यू भी 3/2f है. मुझे ये बताइए कि 3/2 कितना होता है सर? 1.5. तो 1.5f plus 1.5f यानी 1.5f ये 1.5f ये, तो कितने f हो जाएंगे? 3f हो जाएंगे. तो ये कितने हो जाएंगे सर? 4f का होल स्क्वायर. तो यहां पर क्या आएगा? 4f का स्क्वायर प्लस ये कितना है बेटा? 1.5f + 1.5f कितना हो गया बेटा? 3f का स्क्वायर. इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा? 16f का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 9f का स्क्वायर. तो मुझे ये बताइए 16 + 9f स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 25f स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा. अब जानते हैं कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 25 जो है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है सर? 5. सो द रिजल्ट वुड बी 5f. द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट इज 13th क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन ये है कि a क्रॉस b का स्क्वायर लें और उसमें ऐड करें a डॉट b के स्क्वायर को, तो रिजल्ट क्या बनेगा? तो आप ये जानते हैं बेटा कि a क्रॉस b का मतलब होता क्या है? a b sin थीटा यूनिट वेक्टर n, और इसके ऊपर स्क्वायर यहां पर आ गया, प्लस
a dot b का मतलब क्या है, ab cos theta का स्क्वायर। सर यहां पर चूंकि डॉट प्रोडक्ट में जो हासिल जरूर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यहां पर यूनिट वेक्टर नहीं आता। अब आप ये जानते हैं कि हम इसका स्क्वायर लेंगे तो a का स्क्वायर यहां पर आएगा, b का स्क्वायर आएगा और sin स्क्वायर थीटा आएगा। जब हम n का यूनिट वेक्टर का किसी का स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब सेल्फ डॉट होता है, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर मतलब सेल्फ डॉट होता है। तो यहां पर आ जाएगा n डॉट n प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि n डॉट n कितना है सर, 1 है। ये वैसे का वैसे आ गया बेटा, यहां पर n डॉट n की जगह 1 आ गया और a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी वैसे का वैसे आ गया। अब आपने मुझे बताना है कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, ये तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे रहेगा, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है सर, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन है। तो अंदर क्या बचा बेटा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आ गया जनाब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 1 एंड इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर, it would be the result. So the correct option of the question number 13 is Charlie. उसके बाद बेटा 14th question को हम करते हैं। The force which is responsible to produce the torque about O, बेटा ये एक rod आपको नजर आ रहा है और ये है इसका pivot point O, ये rod का pivot point O है बेटा। तो बताइए कि effective force कौन सी है जो कि torque produce कर रही है। सर ये फोर्स F है, नो बेटा, इस फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। सर ये डॉटेड लाइन क्या है, ये मोमेंट आर्म है, ये कितना है सर, फर्स्ट करें कि ये D है, तो इस D के परपेंडिकुलर फोर्स देखनी है कौन सी है। सर D के परपेंडिकुलर फोर्स एक तो ये आ रही है और एक यहां से भी हम अगर कंपोनेंट्स बनाएं F के तो एक ये फोर्स आ रही है। अब हमें ये देखना है कि ये कंपोनेंट कौन सा है, अगर ये फोर्स F है और ये एंगल थीटा है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है सर, cos वाला। तो इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा, अगर मैं ये एंगल थीटा लेकर फोर्स के कंपोनेंट्स बनाऊं तो इफेक्टिव कंपोनेंट जो कि मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर आ रहा है, इस मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर आ रहा है, दैट इज F cos थीटा है। लेकिन सर अगर हम ये वाला एंगल कंसीडर करें तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, सर 90 माइनस थीटा के सामने वाला कंपोनेंट जो होगा दैट वुड बी f क्या सर, sin आगे ये वाला एंगल एंड दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर हम ये यहां से एंगल लेकर सॉल्व करें तो फोर्स का जो इफेक्टिव कंपोनेंट बनेगा दैट इज f sin 90 माइनस थीटा। और इसका मतलब यह है कि अगर ये ऑप्शन मौजूद है तो ये भी करेक्ट है और अगर ये ऑप्शन मौजूद है तो ये भी करेक्ट है। तो सर वैसे f sin 90 माइनस थीटा f cos थीटा के तो बराबर होते, जी हां। तो सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14th इज अल्फा, अल्फा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। आइए 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन ये है कि टू फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x एक्सिस एंड नेगेटिव x एक्सिस, यानी एक फोर्स x एक्सिस पर लग रही है, एक फोर्स नेगेटिव x एक्सिस पर लग रही है, हैव मैग्नीट्यूड्स 4 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, एक का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है एक का 1 न्यूटन है रिस्पेक्टिवली, रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स को कैसे निकालेंगे बेटा, रिजल्टेंट किसके बराबर है सर, जो फोर्स पॉजिटिव x एक्सिस पर लग रही है उसके साथ यूनिट वेक्टर i आएगा और जो नेगेटिव x एक्सिस पर लग रही है उसके साथ माइनस i आएगा। तो ये 4i माइनस 1 या 1 इनटू माइनस i, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो जाहिर है ये कितना आ जाएगा 4i माइनस i न्यूटन, सो द रिजल्टेंट फोर्स वुड बी 3i, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी बेटा, दैट वुड बी 3 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15 इज अल्फा। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया, अ हेवी यूनिफॉर्म प्लैंक, भाई प्लैंक में दो खास बातें हैं, एक तो वो वजनी है और दूसरा वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर ऑफ लेंथ l और इस प्लैंक की कुल लंबाई कितनी है, l के बराबर है। सर क्वेश्चन क्या है, सपोर्टेड बाय टू फोर्सेस, इस पर दो फोर्सेस की सपोर्ट है, यानी ये प्लैंक है फर्स्ट करें तो इस पर यहां पर एक फोर्स लग रही है F1 और यहां पर दूसरी फोर्स लग रही है F2, ये F1 फोर्स लग रही है अपवर्ड और ये अपवर्ड फोर्स लग रही है F2। तो सर अपवर्ड फोर्सेस तो दो हैं, डाउनवर्ड फोर्स किधर है, डाउनवर्ड फोर्सेस का वेट है जो कि यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड है, वे डाउनवर्ड है। तो सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सपोर्टेड बाय F1 एंड F2 एट पॉइंट्स डिस्टेंस at point distant
L by 6 and L by 3 from its ends. यानी जो F1 force है, उसका end से distance L by 6 है. और F2 force जो है, उसका भी end से distance L by 3 है. Question यह है कि what is the ratio of F1 over F2? तो forces की ratio निकालने के लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम यहाँ पर second condition of equilibrium apply करेंगे. और second condition को apply करने के लिए हमें एक point को pivot choose करना है. सर, किस point को pivot ले रहे हैं? इस point को. अगर इस पॉइंट को पिवट ले रहे हैं सर, तो इस फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा डेफिनेटली. तो ये वाली फोर्स का जो टॉर्क होगा सर, F1 का टॉर्क क्या होगा? फोर्स जरा उसका मोमेंट आर्म. ये मोमेंट आर्म नहीं है बेटा, ये मोमेंट आर्म है. F2 फोर्स ये और उसका मोमेंट आर्म ये है सर. तो ये मोमेंट आर्म्स तो हमारे पास है ही नहीं है, तो पहले मोमेंट आर्म्स निकालेंगे, उसके बाद टॉर्क्स को बराबर करेंगे. सर F1 का टॉर्क क्या है? F1 किधर को लग रही है बेटा? अपवर्ड लग रही है. तो इसका टॉर्क क्या होगा बेटा? क्लॉकवाइज होगा. इसका टॉर्क क्या है बेटा? क्लॉकवाइज है. और F2 फोर्स इधर को लग रही है बेटा? इसका टॉर्क क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज है. देख सकते हैं आप, ये 3, 2, 1. अच्छा सर, अब हमने करना क्या है? हमने पहले ये मोमेंट आर्म्स निकालने हैं. F1 का मोमेंट आर्म क्या होगा? ये डिस्टेंस कितना है सर? ये डिस्टेंस सेंटर से एज तक का डिस्टेंस L by 2 है. तो L by 2 में से L by 6 को माइनस करेंगे, तो ये वाला मोमेंट आर्म कितना होगा बेटा? L by 2 माइनस L by 6. F1 का मोमेंट आर्म, F2 का मोमेंट आर्म कितना है? ये वाला डिस्टेंस. सर ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटा? यहां तक डिस्टेंस बताइए कितना है सर? ये सर L by 2 है, तो L by 2 में से ये टोटल L by 2 है, उसमें से ये वाला हमें माइनस कर दीजिए. यानी L by 2 माइनस L by 3. आइए टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई करते हैं. यानी F1 इनटू उसका मोमेंट आर्म. F1 की फोर्स आ गई, उसका मोमेंट आर्म कितना है बेटा? उसका मोमेंट आर्म है L by 2 माइनस L by 6. और F2 फोर्स आ गई, उसका मोमेंट आर्म कितना है बेटा? L by 2 माइनस L by 3. आप मुझे ये बताइए कि L by 2 में से L by 6 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 L by 6 आ जाएगा. और यहां पर L by 2 में से L by 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? L by 6 आ जाएगा. ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, 6 भी 6 से कैंसिल आउट हो गया. F1 over F2, ये F2 इधर बटे में आ गया और ये 2 उस तरफ चला गया. That is 1:2. So the question number 16 की option क्या है बेटा? Alpha A. आइए question number 17 करते हैं बेटा. 17th question है, the angle between the vector A, क्या है vector A? 2 unit vector I plus 3j and y axis. यानी vector A का y axis के साथ angle बताना है. Sir vector A कहाँ पर है? ये vector A है. और angle किसके साथ बताना है? Y axis के साथ. Y axis के angle को मैं theta कह रहा हूँ यहाँ पर. ये बताना है सर कैसे निकालेंगे. पहले मुझे वेक्टर को देखना चाहिए, 2 यूनिट वेक्टर i plus 3j. यानी इसका y कंपोनेंट कौन सा है? y कंपोनेंट वो होता है जो y एक्सिस के अलोंग होता है, दैट इज 3j इसका y कंपोनेंट है. और इसका x कंपोनेंट कितना है सर? 2 यूनिट वेक्टर i है. अब आप जानते हैं कि इस लाइन की लंबाई 3 है, इस लाइन की लंबाई 2 है, तो आप tan थीटा अप्लाई करेंगे और थीटा निकाल लेंगे. सर tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, दैट इज 2. और इसकी बेस क्या है? 3 है. तो यहां से थीटा किसके बराबर आएगा? tan इनवर्स 2/3. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17 इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 18, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ. From south का मतलब ये है कि वो wind जो है वो south से north की तरफ को जा रही है, blow कर रही है, चल रही है north से south से north की तरफ को. But to a cyclist, लेकिन एक cyclist जो है, it appears to be blowing from east. उसको ऐसे लग रहा है कि wind जो है वो east से आ रही है. यानी ये apparent velocity of wind है. Actual velocity of wind क्या है? Vw. और apparent velocity क्या है? Vw dash है. 10 meter per second ही magnitude है apparent velocity का भी. सर क्वेश्चन क्या है? द वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज, साइक्लिस्ट की वेलोसिटी क्या होगी? सर रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है. जी हां डेफिनेटली सर. तो रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह लिखेंगे? विंड की रिलेटिव वेलोसिटी, विंड की रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो बराबर है साइक्लिस्ट की वेलोसिटी माइनस विंड की वेलोसिटी. तो यहां से आपने किसकी वेलोसिटी निकालनी है सर? साइक्लिस्ट की वेलोसिटी निकालनी है सर. तो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी इधर ही रहने दीजिए, विंड की वेलोसिटी को उस तरफ लेकर जाइए. तो विंड की वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी बेटा? अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ द विंड में एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड ऐड होगी, तो हमारे पास साइक्लिस्ट की वेलोसिटी आ जाएगी. और साइक्लिस्ट की वेलोसिटी किसके बराबर बनेगी बेटा? साइक्लिस्ट की वेलोसिटी बराबर होगी बेटा, दैट इज विंड की अपेरेंट वेलोसिटी सर. दैट इज विंड की अपेरेंट वेलोसिटी. उसमें ऐड करेंगे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड, इस वेक्टर को उठाएंगे, इसमें लाकर जमा कर देंगे. तो वी डब्ल्यू डैश
और VW, ये VW है, तो ये भी VW है, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, add up होंगे, तो resultant क्या बनेगा इनका सर, VC बनेगा, सर तो ये हमने निकालना है, जी हाँ, सर कैसे निकलेगा, hypotenuse, का स्क्वायर किसके बराबर होता है, base का स्क्वायर जमा perpendicular का स्क्वायर, base की स्क्वायर वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, तो बेस की स्क्वायर वैल्यू कितनी है बेटा 10 प्लस परपेंडिकुलर भी 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट। अब मुझे ये बताइए कि ये कितने 10 के स्क्वायर हैं सर, 2 10 के स्क्वायर आ जाएंगे अंडर रूट में। अब आप मुझे ये बताइएगा प्लीज कि ये जो 10 है इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ये रूट में ही रहेगा, तो 10 तो रूट से बाहर आ गया, 10 अंडर रूट 2, और डायरेक्शन किधर को है बेटा, नॉर्थ वेस्ट में। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18 इज अल्फा। बेटा 19th क्वेश्चन है, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, इसका मतलब ये है कि अगर ए डॉट बी ए बी है तो ए और बी में एंगल कितना होगा, जीरो होगा, डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम किस एंगल पर होता है, जीरो डिग्री पर होता है, तो ए बी के पैरेलल है, और आगे ही लिखा है कि सी क्रॉस बी नल वेक्टर के बराबर है, अगर दो वेक्टर्स जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ जाए तो इसका मतलब वो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेटमेंट में है कि ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इनका क्रॉस जीरो के बराबर आ रहा है, नल वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो ये पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है, मतलब ए बी के और बी सी के पैरेलल है, तो व्हाट डज इट मीन, कंक्लूजन क्या है बेटा, कंक्लूजन ये है कि ए इज पैरेलल टू बी इज पैरेलल टू सी, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19 इज डेल्टा। थैंक यू वेरी मच बेटा।